तो भाई सामने कौन बैठा है? सलमान भाई, ठीक है। और कहाँ पर पहुँच चुके हैं आपको जस्ट लोकेशन दिखाते हैं, उसके बाद में स्टोरी क्लियर करते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं और एक बार आपको लोकेशन से रूबरू करवाते हैं, उसके बाद में ही आपको पता लगेगा कि भाई एक्चुअल में हम कहाँ पर है दोनों भाई, ठीक है। साथ में वीर भाई भी है, ठीक है। सलमान भाई, हाँ भाई, पहले चमका स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल है भाई। रे भाई, मैं चाहता हूँ कि आप स्टोरी ना वो बताने से पहले, सबसे पहले अपने भाई और बहनों को बताओ कि इसकी चढ़ाई थी किसी। देखो मैं महज एक साल के अंदर 3 बार इसको विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम सलमान भाई भी यहाँ पर आके जा चुके हैं और आज मीर भाई थोड़ा सा ना बाहर निकलो, वापस पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे आओ, क्योंकि आवाज है ना वहां पर अंदर की तरफ आवाज गूंज रही है, हाँ, है ना, गूंज रही। तो आपको आराम से, पीछे काटे भी हैं भाई, तो आपके समझ में नहीं आएगा क्लियर कि एक्चुअल में हम कहां पर है क्या है, क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम होगी। बाकी हम खड़े हैं MP के एक फोर्ट के अंदर, जहाँ पर हम पहले भी विजिट करके जा चुके हैं, सलमान भाई भी यहाँ पर आके जा चुके हैं, मैं आया था, अशोक भाई आए थे, और तो यार ओम भाई भी यहाँ पर आके जा चुके हैं। भाई हमने पहले ही बोला था कि चैलेंज देने का एक तरीका होता है, एक कमेंट होता है, उस कमेंट को हम प्यार से ले या गुस्से से ले, या यार गुस्से से लेने का सवाल नहीं उठता क्योंकि आपने वो कमेंट किया है, ठीक है। इसलिए आप हमारे YouTube फैमिली हो और हम दिल से प्यार करते हैं आप सभी को, जो भी है भाई, पर कुछ कुछ अपवाद ऐसे होते हैं ना, ठीक है, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है कि भाई बोलना कैसे है। भाई एक कमेंट करने का तरीका होता है, यहाँ पर हमारे को वापस आने के लिए इतना मजबूर कर दिया था एक बंदे ने, इतना फोर्स किया था यार, मेल के अंदर कमेंट करना, ठीक है, इंस्टा पे कमेंट करना, यूट्यूब की जो वीडियो है वहां पर कमेंट करना, भाई परेशान हो गए थे। आपने दिखाया था स्क्रीनशॉट, मुझे पता है यार, मतलब लगता है गालियां देके, मतलब हद होती है यार ये चीज। आप सभी के लिए इतने रिस्क लेते हैं, देखो चाहे आरकेआर भाई हो चाहे मैं हूँ, आप सभी के लिए रिस्क लेते हैं ना ऐसे लोकेशन पे आने के लिए। इसकी जो चढ़ाई है ना वो कह सकती है, कसम से मैं आपको भाई कम से कम है ना 700 मीटर की इसकी चढ़ाई है, वो भी एकदम खड़ी चढ़ाई, जहाँ पर है ना सच में रात को तो बहुत दूर की बात है यार, दिन को भी कोई आना पसंद नहीं करता। इसके ड्रोन शॉट देखो आप, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम इसीलिए पहुँचे हैं कि उस भाई का चैलेंज था, और वहाँ पर हम बार मेन गेट पर खड़े हैं, अंदर की तरफ से फोर्ट की शुरुआत होती है, और इतना डीप के अंदर ना ये फोर्ट, ठीक है, जब अभी आगे चलेंगे ना तब अच्छे से देखना भाई, मेन पहाड़ी की चोटी पे है, ठीक है, और मेन ऊपर चोटी के ऊपर है ये फोर्ट बना हुआ। तो भाई अब बात करते हैं, सबसे पहले तो स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से, जो भी नए हैं वीडियो को प्ले कर लिए, एस के हॉन्टेड व्लॉग के नाम से चैनल है सलमान भाई का, वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। भाई जो भी देख रहे हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट है छोटे भाई की आप सभी से,
ठीक है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि यार इतनी रात को ठंड हो रखी है भाई, ठीक है, जैकेट पहन रखे ना, तो भाई गर्मी के अंदर पहन के नहीं आए कि हर कोई चढ़ जाए, ठंड है, जब जब सो रहे हैं ना रात को 12 बजे, तब हम जगह में हैं और आप सभी के लिए शूट कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें आपका भी स्वार्थ है, बिल्कुल हाँ भाई है, इसीलिए तो भाग रहे हैं ना भाई। आप जो फैमिली हो हमारे, उसके अलावा एक और फैमिली है जो घर पे हमारा इंतजार इंतजार करती है हमारा यार, ठीक है, हम उनका पेट पालने के लिए इतनी रातों को निकल के वीडियो शूट करते हैं। तो बस बिना टाइम खराब करे हुए इसकी स्टोरी पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को अंदर से दिखा देते हैं, उसके बाद में इसकी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ भाई। ये भाई देखो भाई, ये जो जगह है ये यहाँ पर घोड़े बांधने की जगह थी, ठीक है, पुराना फोर्ट है ये, ठीक है पूरा, और यहाँ पर एक सुरंग है, यहाँ से चींटियां रखी है, ठीक है भाई, पैरों में नहीं आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक सुरंग है, ये देखो भाई, जिसके अंदर इतनी चींटियां रखी है, मान के चलो काला पानी की सजा दे दो या इसके अंदर डाल दो किसी को, जीवित बंदे को भाई बराबर है वो, ठीक है भाई, मरा हुआ निकलेगा यहाँ से। एक मिनट वीर भाई, एक मिनट वीर भाई देखो, ये एक्टिविटी होती रहेगी, ये मूवमेंट होती रहेगी, सबसे पहले इसकी स्टोरी क्लियर कर देते हैं भाई। यहाँ पर एक राजा था जिसने 10-12 नर्तकियाँ बुलाई थी, ठीक है, वो आने को तैयार नहीं थी भाई बिल्कुल भी, ठीक है, फिर भी जबरदस्ती सैनिकों को भेज के उनको उठवाया गया। उसके बाद में अंदर की तरफ एक बहुत बड़ा तहखाना है, 3 मंजिल का, 3 मंजिल जिसको बोलते हैं 3 डिपार्चर, ठीक है, 3 यार बिल्डिंग हो गई वो एक तरीके से, ठीक है भाई, उसके अंदर उनका सर कलम करके तलगर के बोलते हैं, तलगर बोलते हैं जिसको, तहखाने जो भी भाई, उसके अंदर उनका सर कलम करके फिकवा दिया गया उनको। और पिछली बार जब आए थे ना अपन, तब वहां पानी भरा हुआ था, इस बार अपन को पता नहीं वहां पे क्या हुआ। हाँ भाई ये तो है, वहां पर खजाने की भी प्रक्रिया हुई थी भाई, ठीक है, तो हमारे को पता नहीं है पानी है या नहीं है, बाकी उनको फेंकवा दिया गया। और आज ही बोलते हैं कि उनमें से एक नर्तकी जो कि माँ काली की भक्त होगी या थी, मेरे को आई थिंक पता नहीं, इतना नॉलेज नहीं है यार, पुरानी बातें हैं, पर वो भाई ये जो है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जो दोनों तरफ जो रूम है, ठीक है, यहाँ पर बैठता था एक एक सैनिक, ठीक है, जिसको गार्ड बोल सकते हैं, हाँ जिसको गार्ड बोल सकता है, ठीक है ना, वो एक एक बैठता था ताकि यहाँ पर जो भी ऊपर की तरफ चढ़े उनकी एंट्री, एक होता ना कि लेखा जोखा, ठीक है, वो उन्हीं के पास में होता था, ठीक है, कि ऊपर कोई पहुंच नहीं सके महल के अंदर। आवाज आ रही है, तो लग रहा है कि कोई ना कोई है यहाँ पर, आवाज हो रहा है बिल्कुल, एक मिनट रुको, दीवारों की आवाज आ रही है, दम दम अंदर से वापस आवाज आई है भाई, लो ऊपर चढ़ते हैं सलमान भाई,
एक चीज बताऊं क्या, मैं कैमरा लेके पास में जो ये बने हुए ना ये, ठीक है ये देखो आपके पैरों में, ये वाले जो निशान है ना, यहाँ से चढ़ते थे घोड़े, आज भी निशान बने हुए भाई, अभी भी निशान बने हुए भाई। तो बड़ी बात है कि गाइस आज भी उस टाइम के मतलब जो घोड़े होते थे ना उनके निशान अपन देख पा रहे हैं यार, सच में ये जो निशान बने हुए हल्के फुल्के कैमरा घुमाओ पीछे, लगा वो पीछे था यार। हाँ भाई कौन है, कौन है यहाँ पर, भाई इस तरफ के अंदर भी फोर्ट का नीचे वाला हिस्सा है पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जहां पर मैन उन नर्तकियों की सर कलम किया था, सर कलम किए थे वहीं पर जाएंगे। भाई 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 ऊपर से आवाज आई, कौन है, कौन है, क्यों भाई सामने कोई है, सब यार इतना वक्त लगाओगे तो वो चीज गायब हो जाएगी। यहीं पर भाई, यहीं पर थी लेकिन आपको यहाँ पर थी भाई, ये देख ऊपर भाई, मोमेंट देखो यार, इसकी एक्टिविटी क्लियर एक्टिविटी हो रही है भाई, बिल्कुल पानी चल रही थी भाई, जब अपना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भाई ये तो कोई आंधी आने का संकेत है ऐसा लग रहा भाई। जब इंटरव्यू किया था आपने देखा होगा उस टाइम बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, देखा होगा हमने, आप नोटिस कर लेना वापस बोली, वापस जाके बोली पीछे। और ये तो अभी ना कुछ भी नहीं है, ये फोर्ट इतना बड़ा भाई, देखो देखो इस पेड़ को, देखो ओ माय गॉड भाई, टाइम खराब नहीं करते, ठीक है आ जाओ भाई, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से काट के देंगे। कौन है या कोई है यहाँ पर, भाई एक जो लेटेस्ट है कि एक इंसिडेंट हुआ था वो पता है ना, एक लड़का था शाम के वक्त ड्रिंक करके यहाँ पे, और भी फ्रेंड थे उसके साथ में, ड्रिंक करके है ना पता नहीं उसको क्या हुआ था, बिल्कुल अपने आप से बाहर हो गया था, अपने कपड़े उतार के यहाँ से उसने छलांग मार दी थी ऊपर से, पूरे कपड़े उतार के ये किसी के कपड़े हैं, नहीं मैं बता तो रहा हूँ आपको भाई, वो स्टोरी बता रहा हूँ आपको, वो वहां से ना, वहां से ऊपर से यहाँ पर गिरा था भाई, यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह पर ये जो बनियान है ना, बनियान उसी का भाई, उसी का फंसा हुआ है भाई, लो अंदर आओ अंदर आओ, अंदर बढ़ते हैं भाई, अंदर देखो भाई काफी लगी लोकेशन है तो, ओ भाई 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 अलग ही माहौल हो गया कसम से, आ जाओ अंदर आओ भाई। क्या वहां पे, वहां पे अंदर गई है ना यार, कुछ चीज की अंदर पता नहीं, कुछ रेड कलर का कुछ पहना हुआ था उसने, देखो रुको रुको, आराम आराम से अंदर 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 चलो, अंदर चलो, भाई ऊपर का व्यू लेते रहना पूरा, कैमरा दिखाते रहना,
कोने रुको, कोने ऊपर रुको भाई, लाइट करो भाई लाइट करो। आराम से भाई आराम से, एक मिनट यहाँ से वीर भाई, कौन भाई आप यहाँ से व्यू देखे दिखाओ एक बार कितनी ऊंचाई कितनी हाइट पर है एक बार आओ वीर भाई, आप देखो कौन भाई यहाँ पे। आराम से भाई आराम से, इसलिए बोल रहा हूँ आप व्यू को पता चल सके लाइट तेज कर लो भाई, भाई आप मानोगे नहीं भाई, एक बात बोलने चलते हैं भाई, कसम खा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। वीर भाई कौन भाई, एक मिनट आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन सच बताऊंगा मैं, रुको रुको रुको, कोई चीज है यहाँ पे जो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है क्या अपनी बात बता रही है मुझे, कोई भी चीज हो माइंड पे हावी मत होने देना भाई। भाई वो कोशिश मैं कर रहा हूँ बट कसम से कदम खा के बोल रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है जो मुझे अपने और अट्रैक्ट कर रही है भाई, जो बुला रही है। अंदर चलो अंदर चलो दोस्तों, सबसे पहले अगर बताना भाई एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे भाई, ठीक है, ये पूरा जो माहौल है खौफनाक माहौल है यहाँ का, उससे हटके यहाँ पर एक भाई अंदर हो, आवाज आ रही है क्लियर, रिकॉर्ड हो रही है, अंदर बढ़ो अंदर बढ़ो, आगे हो आगे हो भाई, आगे 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 ये मेन किला जिसे अपन बोल सकते हैं, वहाँ पे अंदर खड़े हैं हम। मैं दिखा पीछे भाई को, ये भाई को, ये भाई को, ये यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे कोई है, इस तरफ बचो, इस तरफ भाई, पीछे पीछे नहीं यार, मजाक मत करो यार, एक मिनट अरे भाई ओए इसे छोड़ो ना यार, वहां पर कौन है, कुत्ता यहाँ पर, हाँ भाई भाई रही भाई, पता नहीं क्यों कसम से मुझे ऐसा लग रहा है इससे कोई ना इससे इसके अंदर से मुझे कोई आवाज लग रहा है भाई, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से मुझे इसके अंदर से आवाज आई भाई, बहुत अजीब सी आवाज थी भाई, देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज को हावी मत होने देना भाई, ठीक है, अगर यहाँ पर हम चार, सलमान भाई ठीक है, हम चार लोग हैं, ये क्या हो रहा है भाई, भी हुआ ठीक है सलमान भाई, सुनो मेरे माइंड पे मत लो सलमान भाई, यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ भाई जिंदा नहीं लौटेंगे, ठीक है ध्यान रखना, अंदर गिर गए ना यार, मैं भाई यार, मैं सलमान भाई यार, मैं कौन है, चली जा तू जो भी है, देखो चली जा तू जो भी है, तू लेकर नहीं जा सकती, ठीक है तेरी औकात नहीं है, औकात नहीं है लेके जाए हमारे हमारे को, ठीक है ठीक है सलमान भाई, भाई कंट्रोल 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 करो यार, ठीक है सुनो, अपने को उस जगह पर पहुंचना है, ठीक है तो भाई कंट्रोल करना होगा, माइंड को पॉजिटिव रखो,
उन सब चीजों की, इग्नोर करो उन सब चीजों को, ठीक है। आ जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। अभी भाई बिल्कुल कुछ भी विजिट नहीं किया अपन ने, ठीक है। चलो अरे भाई प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मिनट रुकना, बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो। अरे भाई नहीं प्लीज यार भाई, हमेशा आना, हो सकता है मैं आपको हिम्मत दूँ, सुनो मेरी बात, हमेशा हो सकता है मैं आपको हिम्मत दूँ, लेकिन यहाँ आना मुझे आपकी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है ना, उनमें से है ना, हमेशा ऐसा होता है ना कि एक चीज़ को चूज करती है वो चीज़। भाई मैं एक मिनट के लिए बोल रहा हूँ आपको, रुक जाओ भाई, मैं एक मिनट के लिए बोल रहा हूँ, उसका टारगेट मुझे पता चल चुका भाई। भाई सामने सामने कोई है भाई, मंदिर है भाई, मंदिर है, रुक जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ, मंदिर है भाई, मेरी बात सुनो, मत जाओ भाई, मंदिर है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मंदिर है, पता नहीं लेकर भी कसम से है ना, बस अटल से लग रहा हूँ, ठीक है। देखो माफी चाहते हैं कि इतनी रात को यहाँ पर आए, और भाई ऊपर चलो पीछे तो ऊपर चलो फटाफट। हनुमान भाई आ जाओ भाई, मैं बोल रहा ना, आ जाओ आराम से भाई, पैरों को वीर भाई ध्यान से रखो। देखो यार अपने लिए ना एक एक आवाज, एक एक चीज मायने सबूत बहुत मायने रखती है, पैरों को खाली प्लास्टिक की बोतलों पर नहीं रखें बिल्कुल भी यार, ठीक है, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं इससे ना आप भी डरोगे और हम भी, ठीक है। लोकेशन विजिट नहीं हो पाएगी मेरे भाइयों, ठीक है, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे रुकना है यार। ओ भाई 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 सुनो भाई, मैं बोल रहा हूँ चली जा यहाँ से, जो भी है तू चली जा भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव नहीं कर रहा होगा, वो जितनी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है, मैं बोल रहा हूँ चली जा, जो भी है तू, ठीक है। देख घुंगरू की आवाज आ रही है भाई, घुंगरू की आवाज आ रही है, ऊपर आओ, मैं बोल रहा हूँ ऊपर आओ, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ऊपर आओ, चलो भाई मत करो, नहीं चलना पड़ेगा भाई, एक बार ऊपर आओ, वो चीज़ मुझे कसम से ना अट्रैक्ट कर रही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ मुझे बुला रही है भाई, चलो भाई देखो भाई, जहाँ पर मेन जो लोकेशन है, जहाँ पर जो तहखाने है, ठीक है, जहाँ पे नृत्य हुआ था, भाई वहां से दिखाओ, चारों तरफ से जहाँ पे नृत्य हुआ था उस जगह पे हम खड़े हैं, जो टेलर जैसे बोल सकते हैं उसके ऊपर अभी खड़े हैं हम, ठीक है, यहाँ से है ना, एक बार पवन भाई वीर भाई दिखाओ यार प्लीज, यार कहाँ पे खड़े हम भाई, ये जो है ना आप भी व्यू देख रहे हो ना भाई, पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, बस रही भाई, एक बार आपके दर से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार आप बताओ कम से कम जो इसका जो तलघर है उसकी गहराई कितनी होगी पानी से लेकर 20 फीट, कम से कम केवल एक पार्ट की 20 फीट, ठीक है, इसके नीचे 60 फीट की गहराई है, 3 पार्टेशन है 60 फीट की, आपको पहले तो पुख्ता सबूत दिखाऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, इसकी जानकारी दूंगा पूरी पूरी कि यहाँ ये जो जगह है ये बदनाम क्यों है और इतनी हॉन्टेड क्यों है, ठीक है, आओ भाई आओ आगे लेके आओ, एक
साइड में बैठो ना। भाई एक है ना, लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था ठीक है, तब ये देखो ये जो ये लाइन दिखेगी आपको, नॉर्मल सी लाइन नहीं है ठीक है, यहाँ पर ये पूरी लाइन है ऐसे की ऐसे, कौन है? सलमान भाई। सलमान भाई इधर आओ, इधर आओ, सुनो। सलमान भाई, भाई सलमान भाई, अरे कहाँ जा रहे हो यार? सलमान भाई मैं बोल रहा हूँ, रुको भाई। सलमान भाई भाई रुको उनको यार, भाई मैं बोल रहा हूँ, सलमान भाई।